वेलकम टू क्रियांश ब्लॉग। क्रियांश ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो जो होना था वो हो चुका है और ये बहुत ही गलत बात है अगर कोई भी किसी के साथ भी ऐसा करता है। क्योंकि ये कोई भी अपनी मेहनत से कमाता है और वो तो उन लोगों के खून में है कि ये लोग ऐसा ऐसा काम करते हैं जो कि बहुत ही गलत बात है। किसी का आईडी हैक कर लेना, किसी को परेशान करना, किसी को यूज़ करना, कोई इनसे सीखे। तो आज मैं जिसके बारे में बताने वाली हूँ, चलिए आज उसके बारे में हम बात करते हैं कि एक्चुअल में बात क्या है। तो चलिए बात करते हैं। बात यह है कि मनीषा अभी सिमल के घर गई हुई है और अभी जस्ट मनीषा ने सब कुछ बता दिया है कि बागड़ी ही जो हैं वो सब कुछ उनका हैंडल करती थी और लास्टली उन्होंने मनीषा को क्या किया है, लास्टली मनीषा को उन्होंने धोखा दे दिया। वो क्या की है, उनका आईडी हैक कर ली है। मनीषा का आईडी बिल्कुल भी नहीं चल रहा है और मेरा उनसे भी बात हुआ था, मैंने रानी को कॉल किया था और अभी बात हुआ मेरा और पता चला मुझे कि मनीषा का जो आईडी है वो हैक कर लिया गया है और वो बागड़ी ने किया है, जो कि बहुत गलत बात है। बागड़ी अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा आपको? वो आप मैंने तो पहले ही बोला, वो तो खुद अपनी वीडियोज़ उनके चलते नहीं हैं, उनके वीडियोज़ तो मतलब मुश्किल से ना चलते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ मनीषा के कारण चलते थे उनके वीडियो। और फाइनली उन्होंने ये किया है कि उनका आईडी उन्होंने हैक कर लिया है, इसलिए आज कम्युनिटी में बागड़ी का जो है वो पोस्ट नहीं गया है क्योंकि सारा हैंडल बागड़ी ही करती थी। ये मैं स्टार्टिंग से ही बोलती आ रही थी बट किसी ने इस चीज़ पर यकीन नहीं किया था। तो आज देख लीजिए बागड़ी ने क्या किया है, उन्होंने सीधा सीधा मनीषा को धोखा दे दिया और उनके चैनल को हैक कर लिया, जिससे मनीषा काफ़ी ज़्यादा वरीड है और बहुत परेशान है क्योंकि किसी का भी आईडी हैक कर लेना बहुत ही गलत बात है। बट अभी जस्ट मुझे पता चला है तो सुनकर बहुत ख़राब लगा, बट हम क्या कर सकते हैं, हम बस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो भी ये काम कर रहा है आप ये काम मत कीजिए। वो आपका तो उसमें कुछ है ही नहीं, जिसका है उसको आप वापस कर दीजिए। आपने उसको अच्छे से यूज़ कर लिया है, आपने अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लिए यूज़ करके, अब बस कर दीजिए, अब उनके आईडी को वापस कर दीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है मनीषा। और वो बोल रही है कि मेरा दीदी आईडी हैक हो गया, जो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तो ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, अगर आपने ऐसा किया है तो प्लीज़ आप उनका चैनल जो है वो वापस कर दीजिए।